तो आज नेटफ्लिक्स पर एक नया शो आया है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब के नाम से, और मैं मतलब आप लोगों को क्या बताऊं, मतलब अंदर से अभी भी मेरे को इतनी हंसी आ रही है ना, मतलब कितने दिनों बाद कोई मूवी देख के इतना ज्यादा मजा आया। लास्ट टाइम आवे सब मूवी में जितना मजा आया था, आज उतना ही मजा मुझे इस मूवी को देख के आया है। चलो बात तो हम लोग में होती रहेगी, मूवी के रिव्यू के बारे में आगे बात करते हैं। ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, ट्रेलर में जितना बताया गया है उतनी बात में बताऊंगा आप लोग। तो कहानी देखने को मिलेगी आप लोग को चार दोस्तों की। तो एक दोस्त के पास बहुत सारा पैसा है, तो एक दोस्त अपने बाप से बहुत पट्टी है, कोई लड़कियों के मामले में बहुत ठरकी है, तो किसी की गर्लफ्रेंड दूसरे के साथ शादी कर रही होती है। अब जिसकी गर्लफ्रेंड दूसरे के साथ शादी करने वाली होती है वो चुप थोड़ी बैठेगा, तो इसी पॉइंट को लेके पूरी स्टोरी आगे तक बढ़ती है। कहानी को इतना ही समझने की कोशिश मत करना, बीच बीच में इतने सारे हंगामे आप लोग को देखने मिलेंगे ना। मूवी की लेंथ 1 घंटा 50 मिनट की है। हाँ, एक बड़ी वार्निंग, ये आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो, आप लोग ने ट्रेलर देख के तो पता लगा ही होगा, लेकिन दोस्तों के साथ जरूर देखना। मूवी 10 मिनट में ही आप लोग को ऐसे जगह के रखेगी ना कि लास्ट तक आप लोग फोन से बाहर नहीं निकल पाओगे। अरे सन्नी सिंह कॉमेडी करते नहीं है लेकिन हंसी आ जाती है, और वरुण शर्मा तो है ही हंसाने वाले। छिछोरे देख लो या कुकरेज 3 देख लो, आप लोगों को कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। एक्टिंग तो सभी लोग अच्छी कर ही लेते हैं, और जो उसमें मतलब छोटे छोटे जो मुद्दे पर अनबन होती है ना, उसको देख के ही तो मज़ा आता है। मैं ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ, कुछ ज़्यादा बताने लायक है भी नहीं। अगर आप लोग को रिव्यू देखने के बाद ये मूवी देखनी है तो अभी नेटफ्लिक्स खोलो और ये मूवी देख डालो। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।